दरभंगा संसदीय क्षेत्र में जनता के दरबार में नेताओं की हाजिरी का सिलसिला तेज होता जा रहा है। प्रत्याशी अपनी स्थिति को देखते हुए अपने पक्ष में मजबूती के लिए प्रदेश से नेताओं को बुलाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव के लिए भी बीते दिन यानी बुधवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य कारी शुएब ने सदर प्रखंड के लगभग आधे दर्जन से अधिक गाँवों में जनसंपर्क किया, घर घर जाकर आम लोगों से मिलकर उनकी बात सुनी और फिर अपनी बात रखी। कारी शुएब बार बार इस बात को दोहराते नजर आए कि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। जनसंपर्क में उनके साथ प्रदेश महासचिव मेहताब सिद्दीकी, फैजान करीम शौकत और मोहम्मद कफील भी शामिल थे। आपको बता दें कि कारी शुएब का काफिला सबसे पहले खरुआ के आकिब नजर के यहाँ पहुँचा, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या मिजाज है यहाँ के लोगों का? मिजाज तो आप देख ही रहे हैं, एक ही मिजाज है, जो देश का मिजाज है वही दरभंगा का मिजाज है। 1947 से लेके इस चुनाव से पहले तक 19 तक जो वोट कर रहे थे किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को, 2024 का जो वोट है इसमें हर आदमी अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहा है। ये चुनाव संविधान बचाने के लिए चुनाव है, ये जो वोट है इस चुनाव में जो वोट होगा वो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, भाजपा की साजिश आरक्षण को ख़त्म करना, दलितों और पिछड़ों को जो अधिकार मिला हुआ इस संविधान में उसको बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये चुनाव उसके लिए है। और पूरे देश की तरह दरभंगा भी पूरी तरह तैयार है तानाशाह को अपने वोट के चोट से जवाब देने के लिए। यहाँ के मुसलमानों का क्या रुझान है? बात मुसलमान की नहीं है, बात देशवासियों की है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे लोग हैं, सब लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और संविधान जब ख़त्म हो जाएगा तो सारे के अधिकार छीने जाएंगे, लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। यहाँ तो सवाल ये है कि अगला चुनाव होगा कि नहीं होगा 24 के बाद, और चुनाव अगर नहीं होगा तो मुखिया कौन बनेंगे, सरपंच कौन बनेंगे, वार्ड सदस्य कौन बनेंगे, जिला परिषद कौन बनेंगे, समिति कौन बनेंगे, प्रमुख कौन बनेंगे, विधायक और एमपी कौन बनेंगे, इसमें सब की मतलब सारे के सारे चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। ये जो है तानाशाही हुकूमत यहाँ कायम होगी, ये चाइना सिस्टम लागू करेंगे कि रशिया सिस्टम लागू करेंगे ये लोगों को पता नहीं है। इसलिए हर आदमी अपने संविधान को बचाने के लिए इस बार तैयार है, दलित हो, पिछड़ा हो, आगरा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी समाज के लोग A to Z सब लोग मिल करके यहाँ संविधान बचाने पे लगे हुए हैं। दूसरी एक तरफ तेजस्वी जी ने जो काम किया है 17 महीने में, 17 साल में NDA सरकार नहीं कर सकी है, 10 साल में केंद्र सरकार नहीं कर सकी है, जितनी नौकरी तेजस्वी जी ने 17 महीने में दे दिया है नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में नौकरी नहीं दे सके। और इसलिए लोगों को भरोसा है कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो केंद्र सरकार के जो ये जो लोग हैं भाजपा के लोग, ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, चुनाव के बाद कह देते हैं कि जुमला है। सर, तेजस्वी यादव ने आपको क्या संदेश लेकर आज दरभंगा भेजा? आप यहाँ जो है हंगामी दौरे के रूप में आज पूरे संसदीय क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ यहाँ नहीं आए हैं, हम पहले फेज से सभी लोकसभा क्षेत्र हम जा रहे हैं, और हम बहुत आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, विश्वास कीजिए मेरी बात का, मैं कोई हल्की बात नहीं कर रहा हूँ। कल जो चुनाव हुआ है, कल के चुनाव में 5 सीट में NDA का खाता भी नहीं खुल रहा है, पांचों की पांचों सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। और मैं सब जगह से होते हुए आ रहा हूँ और दरभंगा भी आया हूँ, मैंने दरभंगा के भी लोगों का मिजाज टटोला है, ऐसा उत्साह हमने पिछले 3-4 चुनाव में कभी नहीं देखा था। और लोग भी कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल हमने पहले कभी 90-95 जैसा माहौल है। इसलिए सारे लोग एकजुट होकर के एकदम से संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, किसकी लहर नजर आ रही है, मोदी लहर या तेजस्वी लहर? मोदी लहर खत्म हो गई, मोदी लहर ऐसी है कि लोगों के पेट में दाना नहीं है। मोदी लहर ऐसी थी कि गैस सिलेंडर का दाम 400 से 1200 हो गया, मोदी लहर ऐसी थी कि पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया, मोदी लहर ऐसी थी कि जवान किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
मोदी लहर ऐसी थी कि हमारे जवानों को अग्निवीर लागू कर करके उनका बड़ा नुकसान किया गया। मोदी लहर ऐसी थी कि पेट्रोल डीजल तो महंगा हुआ ही, खाना पीना भी उसके चक्कर में जो खाद्य सामग्री है सब महंगा हो गया। मोदी लहर ऐसी थी कि सारे लोग बेरोजगार हो गए। मोदी लहर ऐसी थी कि सारे स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गए। मोदी लहर ऐसी थी कि इस देश के संपत्ति को दो आदमी बेच रहा है और दो आदमी खरीद रहा है, इत्तफाक से चारों गुजराती है। इसलिए मोदी लहर को लोगों ने नकार दिया है, लोगों ने तानाशाह को उखाड़ के फेंक देने का निर्णय कर लिया है और यहाँ महागठबंधन सरकार बनेगी। लोगों को इंसाफ मिलेगा, किसानों को इंसाफ मिलेगा, किसानों के साथ जो छल हुआ है उसके साथ इंसाफ होगा और महिलाओं के साथ जो अभद्र काम किया है इस सरकार ने, जो महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया है, देश की महिला साथ में दरभंगा की भी महिला है, एक एक महिला अपने उस बेइज्जती की बेइज्जती का बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया गया है, दरभंगा के साथ साथ देश के तमाम महिलाएं और दरभंगा की एक एक महिला वोट के चोट से इस सरकार को जवाब देगी।